welcome to the 11th episode of Open Mic with Huda and Dua. कभी फर्ज थे हम भी किसी पर हर वक्त, कभी फर्ज थे हम भी किसी पर हर वक्त, फिर रफ्ता रफ्ता कजा होते गए, बेवजह होते गए। वाह, ये किसने लिखा है? ये तो पचला दिल पे लगा है, दिल पे। आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या बताना, शेर सुना दिया, समझ नहीं आई। अच्छा, इस शेर में सब कुछ है। अब इसके आप तशरीह करेंगे? नहीं, तशरीह नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे, फिर आपको इस शेर की वो अहमियत का पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे, इसके अंदर सब कुछ है। अच्छा, आज हम बात करेंगे मी टाइम पे। दो आपका है तो मी टाइम। हाँ, मेरा मी टाइम ना मुझे तब मिलता है जब मैं बच्चों को सुला दूँ, मेरे जैसे हस्बैंड है वो भी सो जाए, तो उसके बाद जो मैं टीवी देखती हूँ उसको मैं थोड़ा इंजॉय करती हूँ, थोड़ा मी टाइम रखती हूँ। या फिर कभी कभी जब आप सुबह उठो, आपका दिल करे कॉफी का कप ले लो, बैठो और उसको एंजॉय कर सकते हो, और वो मैं अक्सर करती हूँ। और उसके अलावा आप कभी थोड़ा सा योगा कर लो, मी टाइम बस यही है। ये मी टाइम, और वरना मुझे एक मी टाइम चाहिए, लंबी कोई ड्राइव करे और मैं बस सोती हूँ। नहीं, वो फिर आपको नींद का मसला है, आप वो घर में भी पूरी कर सकती है। पेट्रोल फूक के आपने पूरा करने, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो जब नींद ही गाड़ी में आती है तो क्या करे कोई चलाने। फिर आप ऐसा करें कि झूला खरीदे, उस पे लेटे और झूले लेती रही और सोती रही। ये एक्चुअली हम बात इसी तरह करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं अपने लिए टाइम निकालना जो है ना वो खुदगर्जी है, आप सेल्फिश हो गए हो, आप अपने अपना सोच रही हो, ये तुम अपना टाइम तुम्हें चाहिए। एक्चुअली अगर आप ये सोचा जाए ना, तो जो माहिर सेहत के ना वो कहते हैं कि अगर आप अपना मी टाइम नहीं लेते तो ये भी एक किस्म की खुदपरस्ती होती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। अपने मी टाइम के लिए 20-30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप निकाल सकते हो, इसमें कोई वो टाइम बाउंड्री। लेकिन लेकिन हम लोग का ज्यादा क्या है कि आजकल एशियन वुमेन की बात करूंगी, इंडिया पाकिस्तान के हम अपने कल्चर की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जी औरतें इतना बिजी हैं, अगर आप हाउसवाइफ से तो भी आप बिजी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने सफाइयां करनी है, कपड़े धोने हैं, खाने बनाने हैं, बच्चों को देखना, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, तो आप थक जाते हो, टूट जाते हो, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, सांस ले लो, तो उसका आप क्या आउटपुट पड़ते हैं फिर आपने कुत्तों की तरह पढ़ना है, जाहिर है वो भी। और फिर क्या होता है, आपका हस्बैंड भी कहेगा कि ये क्या, ये तो हर वक्त चिड़ी रहती है, हर बड़े सड़ी भी रहती है, उसको फिर हम साइड छिलम दी जाती है, जो मुस्कुराती हुई गुजरती जाती है ना पास से, वो भी दो मिनट बाद से मुस्कुराती होगी। तो वही बात है, फिर कहीं ना कहीं फिर हमारा चिड़चिड़ापन घर में ही फैल जाता है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, आप तब भी एक अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड बन सकते हो, अच्छा पार्टनर, और आप अच्छे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हो। लेडीज के लिए नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप हस्बैंड अच्छा तब भी बन सकते हो जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और आप लोग की अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल, ये छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब जहाज में आप बैठे हो तो क्या होता है, वो जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है कि ऑक्सीजन कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो आपने मास्क पहले खुद नहीं पहन, आपने पहले खुद पहनना है, बाद में किसी और को, अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो अपने बच्चों को सेपरेट प्रायोरिटी में रखना है। ये नहीं कि वो आप ऑफ कोर्स आपको होता है कि पहले हम बच्चे को बनाए, लेकिन अगर आपका सांस ही उखड़ गया और आपकी एनर्जी नहीं है और आप कभी कुछ नहीं सक रहे हो, आप अपने बच्चों को भी मारोगे और खुद भी मरोगे। इसलिए वो कहते हैं कि पहले खुद को सेव करो और फिर आप में दूसरों को कर सकते हो। तो यही बात है, अगर आप अपने आप को फ्रेश करोगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। आप तभी चीजें एंजॉय कर सकते हैं जब आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हो। जब आप फ्रेश नहीं हो, आप पूरा दिन थक जाते हो, आप तंग आ जाते हो, तो आप ये जो है ना, आप एंजॉय नहीं कर सकते किसी भी चीज को, एंजॉय नहीं कर सकते। छोटे छोटे मोमेंट्स आपके घर में कुछ ऐसे होते हैं, आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते, नहीं करते। बाकी बच्चों की छोटी छोटी खुशियां आप एंजॉय नहीं करते। इसी तरह एक सर्वे था, उसमें तो उन्होंने कहा था कि 35% लोग जो है वो सोचते हैं कि जो जिनके पास पैसा है उन्हीं का मी टाइम है, वही अपनी हॉबीज पूरी कर सकते हैं, उन्हीं के पास होता है, हम लोग तो कर ही नहीं सकते। मैं थोड़ा सा एग्री करूंगी, पैसा होता है नहीं, वो तो है, लेकिन 44% जो लोग थे वो कहते थे भाई ये चौंचले जो है ना उन्हीं के हैं जो जिनके पास फ्री टाइम है, हम लोगों के लोगों के पास तो फ्री टाइम होता ही नहीं है, हम लोग कहाँ से करें, हम लोग इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, जॉब से आओ, घर के काम, ये वो, बच्चों की जिम्मेदारियां, वाकई नहीं निकलता। अगर देखा जाए, आप जॉब कर रहे हो, बच्चे भी देख रहे हो, खाना भी बना रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो आपका वो मी टाइम निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ और बेहतर करने के लिए निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। मेरा शेर समझ आया कि कभी फर्ज थे हम भी किसी पर हर वक्त,
फिर रफ्ता रफ्ता कजा हो गए, बेवजह होते गए, वो मसला से होते गए। शुरू में जब शादी होती है तब तक हाँ मोहब्बत होती है, सारा आप फर्ज की तरह होते हो, फर्ज की तरह ये मेरा फर्ज है, फिर बाद में कजा होते जाते हो, बाद में कजा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो फिर वो आपका रिश्ता भी और बाकी रिश्ते भी आपके कजा होते जाते हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आप टाइम नहीं दे सकते ना उस तरह, आप अपना एक अच्छा एक हेल्दी टाइम आपस में गुजार नहीं सकते हो। आप जिम जा सकते हो, आप अगर हस्बैंड जिम जाता है तो वो कोशिश करे कि अपनी वाइफ को जिम लेके जाए, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी ये चीजें करना शुरू कर दो तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। हर एक डिफरेंट अपना मी टाइम है। अब मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगी कि यार सारे घर वाले दफा हो जाए एक दिन के लिए बाहर, और मैं अकेली हूँ, रिमोट मेरे कब्जे में हो, और टीवी की स्क्रीन बस मेरी हो, और वेब सीरीज देखो बैठ के नेटफ्लिक्स पे, मजा आता है। और और फिर साथ चिप्स पड़े हो, फिर साथ ड्रिंक्स हो, ड्रिंक्स मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, और साथ अगर चाय कॉफी कुछ भी, यानी कि ये चीजें, दिस इज माय मी टाइम ना, जिम जाके तो पसीनो पसीने हो जाओ, तो बस ये क्या अपनी अपनी मेंटेलिटी है। मैं अपनी तरफ से सोचूंगी, आप अपनी तरफ से, लेट होते खाओ बस जिंदगी एंजॉय करो। इसी तरह ना जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल फोन है, उसको अब आप सारा दिन यूज करती हैं, आपकी कहीं ना कहीं बैटरी डेड हो जाती है मोबाइल की, फिर आपको उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, करने देता देता बैटरी को, चार्ज करना पड़ता है फोन को भी, चार्जर की जरूरत होती है। उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी है, उसको भी एक बूस्ट चाहिए, एनर्जी बूस्ट चाहिए, और वो इसी तरह ही है कि आप अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आपको वो कई हद तक पॉजिटिव एनर्जी देगी, नेगेटिविटी से थोड़ा निकलो। यानी आपका मतलब है कि मी टाइम हमें चार्ज ही करता है, हमें अपने आप को चार्ज करना चाहिए। हाँ जी, और वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है, नेगेटिविटी नहीं लेके आता, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले नवी ना तो चार्ज करके मोबाइल पड़ता है बहुत ही देर भी ना बैटरी आप सब लोग चलो कम आज मेरा मी टाइम है, औरतें और आदमी है कि नहीं जी हम अपना मी टाइम ले रहे हैं, सारा सारा दिन चार्ज नहीं लग गया, सारा सारा दिन भाई नहीं तो आपकी बैटरियां सड़ जाएंगी आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा सारा दिन अपने आप को चार्जिंग पे नहीं लगाना है। हर बस 30 मिनट, एक घंटा, दो घंटे, हर चीज की एक लिमिट होती है, आप उसको एक अपने टाइम टेबल बनाओ, उसके प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, शेड्यूल बनाओ अपना, ऑफ कोर्स आपका डे प्लान होना चाहिए, और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को लेके चलने की कोशिश करें। ओके हम नहीं कहते 100% आप कर लेंगे, लेकिन ट्राई योर बेस्ट, जितना आप अपना डाल सकते हो, क्या कहते हैं गुड़ जितना डाले क्या वो एक मसाला हाँ, उतना मीठा होता है, उतना मीठा होता है, तो उसी ना तो पंगे लिया करो जब नहीं पता चलता, लेकिन सुना हुआ ना मैंने कहा चलो ये इसके साथ काफी ज्यादा नहीं वैसे भी हाँ वैसे भी करते हैं कि शुक्र बोध करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहना चाहिए, अपनी जो भी आपको नेमतें मिली हुई अल्लाह की तरफ से, कहते हैं शुक्र करने से, ये भी एक मैं बताऊं कि एक तहकीक है कि शुक्र करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है, आप डिप्रेशन से बचते हो, जितना आप शुक्र करते हो उतनी नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती है, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बन जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर जो औरतें और आदमी डिप्रेस्ड है ना आजकल, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, नेगेटिव है, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास उनका मी टाइम नहीं है, वो जो 10-15 मिनट वो अपने आप को दे सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि कि आप जो 15 मिनट आप अपना फोन देख रहे हैं उससे आप अपनी कोई एक्टिविटी रख सकते हो, और कोई जो चीज पसंद है आप वो कर सकते हो, लेकिन तो अगर फोन ही पसंद हो करो, अगर फोन ही पसंद हो दुआ तो वो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगी, ये तो फोन तो मुझे लगता है ये अब एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी हम लोगों को आजकल के जमाने में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और हमारा ब्रेन फ्रीज हो रहा है इसकी वजह से, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतने कोई आर्ट्स में अच्छा, कोई किसी चीज में शायरी में अच्छा, जिस तरह आप भी शायरी, मैं बहुत अच्छी शायर हूँ, शायरा है, आप बहुत अच्छी शायरी करती है, अगर आप वही दिन के 30 मिनट निकाल के आपको क्या यार, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे टाइम नहीं कई दफा मिलता, कई दफा होता है कि आप लिखना चाह रहे हो और आपके पास टाइम ही नहीं है लिखने के लिए, और मुझे वही चीज बहुत खाती है कि यार टाइम होना चाहिए, आप लिखो, पहले टाइम होता था आप लिखते थे, अब टाइम नहीं, 2 मिनट बैठोगे आपको पीछे से 10 आवाजें आ जाती, ये हो गया वो हो गया, ये पहले बता के जाओ ये वाला टाइम मेरा, मैंने ये सारे काम कर दिए, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर दी है, अब जो ये वाला टाइम है ना ये टाइम नहीं मैं देने लगी, कोई किंजर कमरे चला लिखन लगी मैं, लेकिन उस टाइम कोई शेर नहीं आता, जब शेर आता है उस टाइम 20 काम होते हैं सर के ऊपर,
लेकिन ये एक तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप अपना निकालें, अपनी हॉबीज को उजागर करें और अपना अच्छा सा अपने आप को इसमें करें। तो यही था कि आप खुद ही अपने टैलेंट को पॉलिश कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। तो इसमें मी टाइम का मतलब सिर्फ किसी ने आके नहीं बताना कि आप इस चीज में बेस्ट हो, आपने खुद वो चीज अपने अंदर से निकालनी है और दिखानी है कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, मैंने इसको पॉलिश करना है और इसको मजीद अच्छा बनाना। मी टाइम का यही मतलब है कि जिससे आपको सुकून मिले। मेरी बहन को होता था कि मैथ्स करते हुए उसको म्यूजिक के बगैर वो मैथ्स नहीं कर सकती। मैं कहती थी कौन पागल गाने लगा के पढ़ता है। वो कहती मैं बहन जो थी वो गाने लगा के ही पढ़ती है। और वो कहती भाई निकलो बाहर, वो गाने लगाती थी और उसको ऊपर से पसंद भी जगजीत सिंह की गजलें थी वो लगा के मैथ हो रहा है और मेरा तो सारा वो ब्लैंक हो जाता। मुझे याद होता करके देता हूँ नहीं भाई, उसको बहुत शौक है लेकिन मेरे से नहीं होता इस तरह का। इसी नोट के साथ आज के सब्सक्राइब लाइक वो आपने शुरू में नहीं किया। मैंने शेयर पढ़ना था ना, शेयर के अंदर थी। अच्छा जी, पहले वो करें शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और वो क्या करते हैं बेल आइकन को प्रेस करें और हमें प्लीज प्लीज फॉलो करें, हमें कमेंट करें बताएं। अब बहुत ही हो गया रोना। अल्लाह हाफिज़।